नमस्कार। आज के इस बुलेटिन एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक मुलाकात में भाजपा नेता अभिलाष शर्मा से, लेकिन विस्तार रूबरू होने से पहले देते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, जोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 7832812322। ग्रेट वे मेंस वियर स्पेशलिस्ट इन जेंट्स सूट एंड सफारी सूट, रेडीमेड गारमेंट, टेलर्स एंड ड्रेपर्स। पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोटास नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 2211-8807-2257-4882। आते हर वर्ष स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? जानकारी दे रहे हैं भाजपा नेता और एडवोकेट राधेलाल शर्मा। पेश हमारे संवाददाता की बातचीत। आज 15 अगस्त हर वर्ष आता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वतंत्र दिवस के ऊपर? स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हम स्वतंत्र हुए, जो अंग्रेजों का शासन था वो दूर हुआ। हालांकि हम कहते हैं कि हम परतंत्र रहे, परतंत्रता कभी पूरी तरीके से हमारा राष्ट्र परतंत्र नहीं रहा, लेकिन समस्या धीरे धीरे बढ़ती आई। मुस्लिम्स आए, हिंदू आए और भी जो आते चले गए, लास्ट में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने फिर पूरे हमारे भारत पर कब्जा कर लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो हम हमारे जो देश के ने बड़े बहुत शहीद थे, सुभाष चंद्र बोस थे और स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, अपने भगत सिंह वगैरह, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इन सब लोगों ने और सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई, गांधी जी ने एक अपना हिंसात्मक रवैया अपनाया। तो जो भी मॉडरेट थे और जो थोड़े से गरम दल के नेता थे, दोनों ने मिलकर इसमें योगदान किया और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तब से लेकर के हम आज़ाद हैं और 15 अगस्त को मना रहे हैं और स्वतंत्रता की सांस में हमको अब तक बड़ा विकसित होना चाहिए था, विकास करना चाहिए था, लेकिन उस माध्यम से जितनी भी सरकारें आएंगी अब वो चलता रहा, उस तरीके से कोई विकास नहीं हुआ। एक प्रधानमंत्री के तौर पर कोई जो पूरे राष्ट्र को लेकर के चले नहीं। ये हम 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे राष्ट्र के अंदर बड़ा उल्लास है, विश्व के अंदर भारतीय भी स्वाभिमान से जहाँ भी है देख रहा है। तो मोदी जी को ये मान रहे हैं लोग, पब्लिक कह रही है, तो जिस प्रकार से कोई महापुरुष होता है जिसका जन्म होता है, इसी लक्षण एक शक्ति है, लक्षण एक आत्मा है जो अपने स्वार्थ से परे जनता की भलाई के लिए है। और ईश्वर ने ऐसे नेता को हमें दिया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। और ये जिस प्रकार से 15 अगस्त को स्पीच देंगे वो, इससे पूरी जनता, पूरा राष्ट्र देखेगा और वास्तविकता में जिस तरीके से हमारी तरक्की हो रही है, बहुत हो रही है। तो मैं अपने देशवासियों को इस
ऐसे अवसर पर जो 15 अगस्त जो हम स्वतंत्रता है इस पर सबके लिए मैं बधाई देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ और लोगों को अपने स्वार्थ हितों को छोड़ करके अपनी देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए राष्ट्र की तो सर्वोपरि मानना चाहिए, ऐसी भावना सबके अंदर ईश्वर प्रदान करे। यही 15 अगस्त समझिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 7 दिन का 15 अगस्त मनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिसों में स्कूलों में, क्या वजह है जबकि अब तक ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ नहीं 7 दिन का? देखिए इसलिए मनाया जा रहा है कि ये जागृति पैदा होनी चाहिए, जब जागृति पैदा होगी समाज के अंदर, बच्चों के अंदर, स्कूलों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, समाज के अंदर, पार्कों के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो लोगों की राष्ट्रीय भावना स्वयं भी बढ़ेगी। भाई कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें कोई भी जो गेस्ट या कोई भी जिसको हम बुलाते चीफ गेस्ट वो उस विषय पर बताता है, बतलाता है, उपलब्धियों के विषय में गिनाता है, तो उसका असर स्वाभाविक रूप से एक चुंबक की असर पड़ता है और एक व्यक्ति के दिमाग पर भी, व्यक्ति के शरीर पर भी, तो उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आती है। तो ये बहुत बड़ी एक संस्कार है। आप देखिए, आप यही देखिए, मान लीजिए आप रोज पूजा करें, आप कहेंगे वर्ष में एक ही दिन पूजा करें तो नहीं होगा, आप डेली यदि पूजा करेंगे या ये करेंगे तो उसका असर बहुत होगा। तो 7 दिन तक ये कि वातावरण जो है बनेगा और वातावरण की उसकी वजह से सबके अंदर लोग जानेंगे 15 अगस्त क्या है, किस कैसे लोगों का योगदान रहा, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या विकास योजनाएं चला रही है, बच्चों के लिए क्या योजना है, स्वास्थ्य के लिए क्या योजना है, सड़क परिवहन पर क्या खर्चा कर रही है, शिक्षा क्या है, हमारी राष्ट्रीय जो हमारी सेना है जो उसका बजट क्या है, तो ये सब चीज़ें सरकार बनाती है। इस विषय में जब सब बताएंगे, सब सुनेंगे तो उससे क्या होगा, एक हर एक के अंदर उत्सुकता होगी, हर एक के अंदर ज्ञान प्राप्त होगा और हर एक के अंदर राष्ट्रीय गौरव बनेगा। तो ये इसलिए प्रोग्राम 7 दिनों में एक विशेष प्रोग्राम है वृक्षारोपण की क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाए, क्या वजह इसे बड़ा जोर दिया जा रहा है और बिना पैसे के पौधे उपलब्ध किए जा रहे हैं? बिल्कुल इसलिए है कि देखिए वृक्षारोपण इसलिए किया जा रहा है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे वृक्ष खत्म हो रहे हैं, वृक्षों से हमको ऑक्सीजन मिलती है और वृक्ष होने से जो हमारी पृथ्वी है ये है जो इसका जल स्तर है वो भी बना रहता है, वर्षा होती है या कोई चीज़ की भूमि कटाव नहीं होता और जो ये वातावरण हमारा है जो गर्मी बनती है इसके लिए भी इससे भी इस पर रोक लगती है। तो वृक्षारोपण का प्रोग्राम इसीलिए रखा है, लोगों के अंदर जागृति आए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, ऑक्सीजन हो, जो हमारा एनवायरमेंट है, वातावरण है वो ठीक रहे, इस वजह से ये है। इससे क्योंकि यदि वृक्षों की कटाई और वनों की जो कटाई हुई है उसकी वजह से आप देख रहे हैं मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती, जब गर्मी होनी चाहिए गर्मी नहीं होती, तो खिसकता जा रहा है। जो फसलें एक एक महीने पहले बोली जाती थी वो एक एक महीने से इस तरीके से घटती जा रही है। इस सब का जो असर हुआ है ये वातावरण पर हुआ है और वृक्ष लगाने से वृक्षारोपण का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है और इससे भावना आएगी कि वृक्ष के अंदर भी जीवन ही होता है, लोगों को ये भी उसे काटे नहीं, उसकी सुरक्षा करें, लगाएं, पानी दें उसमें, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो वृक्ष लगाना आवश्यक। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, भाई की बातचीत ब्रेक के बाद। चर करती है दुख दूर ये समझाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, ये बतलाने आए हैं। जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर RS डबासी, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से?
आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी C89A मंडावली फाजिलपुर IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092 लैंडलाइन 0112247 7950 मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802 इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292-2239-2314। Ready to have the feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG माउथ वाटरिंग फ्रूट जैम्स, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! Break क्या आपका फिर से स्वागत है? क्या वजह है कि मोदी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सभी सांसदों से 15 अगस्त पर उपस्थित रहने कहा है कि आप उपस्थित रहेंगे, अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे उसी। इसलिए कहा है, इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, आप एक राष्ट्रीय पर्व हमारे दो हैं, स्वतंत्र अगस्त, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, तो इनका अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन क्योंकि संसद सर्वोच्च संस्था है, कानून बनाती है, वहीं से कैबिनेट बनती है, मंत्री बनते हैं, एग्जीक्यूटिव बनती है, और एक ऐसी बॉडी है जो जहां से संसद के अंदर ही सारी बातें चलती हैं, वही सांसद 15 अगस्त पर न रहे तो एक अच्छी सी बात होगी। त्यौहार पर घर के ही लोग जो जिनको मनाना चाहिए वही ना हो तो एक अच्छा नहीं, लोग चले जाते तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि जितने भी MPs हैं अपनी उनकी पार्टी के, कम से कम वो 300 से ज़्यादा हैं, वो वहाँ रहेंगे, क्या ऑफिसर्स भी रहेंगे, ऑफिशियल्स होंगे, तो जो योजनाएं उनकी हैं, जो भाषण दे रहे हैं, तो अपने क्षेत्र में बताएं भाई प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, क्या ये, तो एक वातावरण उत्साह का बनता है और एक खुशी का माहौल बनता है। तो ये बहुत बड़ा उनका जो ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, इस प्रकार से जो डायरेक्टिव्स दिए हैं वो बहुत अच्छी है, सब होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट टाइम है कि 15 अगस्त पर मोदी जी ने कहा है कम से कम 20,000 आदमी का वहाँ इंतजाम होगा, क्या वजह है? अब से पहले इतने आदमी वहाँ जाते नहीं थे, वहाँ बड़ी सिक्योरिटी होती थी, बड़ा इंतजाम होता था, अब सिक्योरिटी में भी थोड़ी ढील दी गई, क्या वजह इसकी? इसलिए दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र के प्रधानमंत्री एक जनता से ही चुन करके वहाँ पहुँचे हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जनता से जुड़े रहते थे, हर एक से मिलते थे, ये थे। तो व्यक्ति जब बड़े पद पर चला जाता है तो लोग सोचते हैं भाई प्रधानमंत्री है वहाँ तो हमें कोई जाने नहीं देगा, हमें तो कोई आने नहीं देगा, और भाई वहाँ क्यों पहुँचेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर मैं जनता का सेवक, जनता की बात सुनना चाहता हूँ, जनता हमारी बात को देखे, कोई बात है बुरी लगती है, कोई सुझाव है तो सुझाव भी भेजे। इसलिए उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर ये कहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए, ऐसा इंतजाम उन्होंने किया है, बसेस के फ्री पास भी दिए हैं, अभी सुन रहे हैं शायद मेट्रो भी ये करें कि जिससे सुविधा भी लोगों को मिले, लाल किले का जो मैच है उसे लोग देखें, वहाँ जाएं कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर जागरूकता हो, ये अपने परिवारों में बताएंगे, बच्चों को बताएंगे और राष्ट्र के प्रति लोगों की समर्पण की भावना बनेगी। जब अभी हम देख रहे हैं राष्ट्रीयता ही नहीं है, अगर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा होती तो काला धन विदेशों में क्यों जमा कर, राष्ट्रीयता की भावना होगी तो लोग
टैक्स को भी गवर्नमेंट को दे रहा है, ये सोचेगा भी ये टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, अच्छे टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी ऊपर खर्च हो रहा, सड़कें बनेंगी, विकास होगा, शिक्षा अच्छी होगी, तो हमको यहाँ रहना है इस देश में, हमको जीना है। फिर ये भी है कि भाई एक सर्वांगीण विकास हो, सबका विकास हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ये जो भावना जो भ्रम पब्लिक में फैला हुआ है वो भी दूर हो। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, संसद में जाए, जिसके बाद में जीत के आए, अच्छा कार्य करे, तो किसी का भी कोई पता नहीं है। तो वो ऐसे परिवार से गए, उस परिवार से, मध्य परिवार से, यहाँ गरीबी भी थी, उनको बड़ा गर्व है इस बात का, पूरे देशवासियों को गर्व है, चाय बेचने वाला कहते थे उसको गर्व है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे उच्चतम पद पर पहुँचता है, वो तो चाहता है कि जनता उसको जाने जाए और उनके अंदर उत्साह हो, उन्हें कार्य करने की क्षमता हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, समर्पण की भावना हो, त्याग की भावना हो। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, उन्होंने ये जनता को मौका दिया और इस पर लोगों को जाना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा संख्या में वहाँ पर एक इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी के लिए भी इसलिए किया गया कि लोग पुलिस या वो जान करके होता, सभ्य आदमी सोचते जाने नहीं देते, तो सिक्योरिटी तो होगी, जाना भी चाहिए। सिक्योरिटी तो ऐसे प्रोग्राम में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी राष्ट्र से लोग चिड़े हुए हैं, आतंकवादी चिड़े हुए हैं, इसलिए उन सब सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती है। वहाँ जनता को पहला अवसर ऐसा मिला है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आपने बात की आतंकवाद की, सुना कि आतंकवाद को देखते हुए गवर्नमेंट ने 150 CCTV कैमरे फिट किए हैं, क्या ठीक है? प्रधानमंत्री कोठी से रेड फोर्ट तक हर जगह CCTV कैमरा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए। CCTV कैमरे होंगे तो क्राइम पर कंट्रोल होगा, क्राइम रोकेगा। वास्तव में जो व्यक्ति जाएगा ये सोचेगा कि भाई मुझे अपराध करना, उसकी फोटो कहीं ना कहीं आ जाएगी, पकड़ा जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और फिर ये ज़्यादातर जो कहा है, अभी मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हम रेड लाइट्स पर, इससे ट्रैफिक पुलिस को भी सुविधा होगी, सब चीज़ को सबको सुविधा होगी, तो एक CCTV कैमरे रहना बड़ी अच्छी बात है। बल्कि लोग घरों पर लगाते हैं, बहुत से लोगों को लगाना चाहिए, लाइट लेके भी लगाना चाहिए, घर की सुरक्षा है। मान लीजिए कोई चोर आ रहा है, कोई बदमाश आ रहा है, कोई कितने पर आ रहा है, तो इससे उसकी फ़ोटो वगैरह उसमें आ सकती है, पकड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की जो चला रही है, और ये बहुत ही बढ़िया कदम है। और बल्कि ज़्यादातर जो अफोर्ड लोग कर सकते हैं उसको अपने मकानों पर भी लगाना चाहिए, अपने गली या उसकी नुक्कड़ पर लगाना चाहिए, और सरकार को जहाँ जिधर क्राइम ज़्यादा होता है, जिधर बदमाश होता है, वहाँ भी लगाना चाहिए। शर्मा जी, मोदी जी की सुरक्षा की हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है, पहले तो 2 हेलीकॉप्टर घूमते थे, अब सुना 11 हेलीकॉप्टर पूरा चक्कर लगाने एयरफोर्स की। वो सुरक्षा इसीलिए है, देखिए पहला प्रधानमंत्री है जो इसमें कहते हैं कोई दम है, 11 हेलीकॉप्टर घूमने का मान रखता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। और प्रधानमंत्री पहले ये हैं, उन्होंने कहा हम ना किसी को आंखें दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम आंखें दिखाना भी नहीं चाहते, किसी को दबाना भी नहीं चाहते, दबना भी नहीं चाहते, आंखें मिला के बात करना चाहते हैं, तो पड़ोसी देशों से हम अच्छा रिश्ता भी रखना चाहते हैं, लेकिन हम इतना भी चुप नहीं बैठ सकते कि भाई हमारी को जमीन कोई खा जाए, हमारे सैनिकों को ही पी ले जाए। इस वजह से राष्ट्र के अंदर, इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें चल रही थी, घुसपैठ होती थी। आप देखिए क्रिमिनलाइजेशन चलते हैं, मदरसे, स्कूल्स और बहुत सी चीज़ें चलती थी, तो ऐसी संस्थाएँ अंदर देश के अंदर घुसी हुई थी। तो मोदी जी ने कहा भी सिक्योरिटी हो, अभी देखो नागरिक कार्ड की अभी बात कही है, जिससे कि पकड़े जा सके लोग बाहर के, और एक नागरिक कार्ड जारी होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कुछ ताकतें विदेशी या वैसी ये चाहती हैं कि भाई एक अच्छा प्रधानमंत्री है तो देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, तो उनके रक्षा के लिए भी जरूरी है, जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई ये मेरी ही सुरक्षा नहीं, मैं भी आम व्यक्ति हूँ, ये भी है, लेकिन हजारों की संख्या में जो वहाँ लोग आएंगे, MP जाएंगे, ये जनता जाएगी, उनकी सुरक्षा के लिए, अकेले मोदी जी के लिए नहीं, मोदी जी
ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हो जाए, वो कहते हाँ सबका साथ लेकर के चलना, तो सबकी सुरक्षा के लिए और ये इंतजाम होने चाहिए और ये ठीक है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए बगाड़ का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have the feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर आर एस डबासी, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से? आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, C89A मंडावली फाजिलपुर, IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092, लैंडलाइन 011-2247-7950, मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अभी समाधि लद्दाख गए थे, वहाँ की जनता बड़ी खुश हुई। लद्दाख सुना कि प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, क्या मजा इसकी? देखिए, प्रधानमंत्री वगैरह लोग, ज्यादातर लोग जो बनते थे ऐसे उस पर जाते थे, कहते थे कोई लोग हनीमून पर जाते हैं, उस पर जाते हैं। जिस दिन से हमारे प्रधानमंत्री बने मोदी जी, बताइए 18 घंटे काम करते हैं, कितना वो कार्य करते हैं। सुबह को उठते हैं, कसरत करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, कार्यालय पहुँच जाते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं क्या काम करा, बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, शाम को भी पूछते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री लक्षण विभूति जो हुआ है, कभी हुआ है इसको राष्ट्रीय की बात। अभी आपने उनकी हिस्ट्री के विषय में देखिए, बच्चे को पाला, नेपाल देखा है। अभी आपने देखा कि वो जितनी भी तनख्वाह वगैरह उन्हें मिलती थी, ड्राइवर के बच्चों की शिक्षा के लिए, शादियों के लिए, सब डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है। लेह लद्दाख में कोई जाता नहीं था,
वो कहते हैं भाई मिलिट्री वालों से मिलकर के मैं इसलिए आता हूँ कि आपसे मिलकर के मेरा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, खुशी मिलती है। और लद्दाख के अंदर उनको अपार असीम प्रेम मिला, उन्होंने वहाँ 3P प्रोग्राम किया कि भाई प्रकाश भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, पानी मिलेगा, सब चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया और उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी जो वहाँ विकास होगा, 4 लेन की सड़कें बनाने का उन्होंने वहाँ कहा। कारगिल के अंदर वो गए तो दूसरी बार वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक कश्मीर के विकास के लिए गए, क्योंकि बाहर के मुल्क ज़्यादातर हमारा जो अभिन्न अंग है कश्मीर, उसको वहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए ऐसी धारणाएँ वहाँ फैलाते हैं कि सरकार आपको कोई ख्याल नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। वहाँ भी उन्होंने विकास की बात की, जो 60 करोड़ वहाँ का होता कर्जा था, 60 करोड़ माफ़ किया, वो भी माफ़ किया। इस वजह से मोदी जी वहाँ गए तो पब्लिक बड़ी खुश है और वो वहाँ का विकास ज़्यादा करेंगे। विकास करेंगे तो जो लोग वहाँ, जिनको लोगों ने बहकाया हुआ है कि भाई हमें इस देश से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनका लगाव हमारे राष्ट्र के प्रति होगा, उनकी भावनाएं बदलेंगी, मोदी जी सभी के दिलों को छू रहे हैं। यहाँ तक सेवाजी मोदी जी ने कहा कि मैं रोजगार दूंगा वहाँ के आदमियों को, वहाँ के आदमी सर्विस करने दूसरे जाते हैं, उन्होंने तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा और तुम्हें व्यापार यहीं दूंगा बैठे बैठे, बिल्कुल वहीं व्यापार मिलेगा। देखिए जब वहाँ पर टूरिज्म अच्छा होगा, सड़कें जब बनेंगी 4-4 लेन की तो टूरिस्ट ज़्यादा है वहाँ पर, फिर होटल सर्वो होंगे तो वहाँ रुकेंगे, तो वहाँ के लोगों के लिए इनकम होगी, रोजगार मिलेगा। जब इतनी संख्या में जाएंगे तो भाई वहाँ पर आप जानेंगे पुलिस की भी भर्ती ज़्यादा होगी और ऑफिसेज की भर्ती भी ज़्यादा होगी और डिपार्टमेंट्स की भर्ती ज़्यादा होगी, तो वहाँ वाकई में रोजगार मिलेगा लोगों को। पहाड़ों का भी इस्तेमाल होगा और वहाँ पानी का भी पहाड़ों के लिए इस्तेमाल होगा, इस प्रकार से खेती भी बढ़ेगी। जो अपने लोग हैं जिनको वहाँ से भगा दिया गया है, जो पंडित वगैरह हैं, वो भी वहाँ बसेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कश्मीर स्वर्ग कहते हैं लोग, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए तो स्वर्ग ही बन जाएगा और उसको मोदी जी वाकई में उसको बना कर रहेंगे और लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा और वहाँ के लोग जो ऐसी गलत भावनाएं लोगों ने भर दी उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आएगी और वो भी गर्व से कहेंगे हम हिंदुस्तान का गर्व करते हैं, भारतवासी। अभी आप देखेंगे वो आतंकवादियाँ अपने छोटे छोटे उनसे जाकर लोग कहते हैं कि हम तो कश्मीर में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो पाकिस्तान से जुड़ा, तो ये अफवाहें वहाँ के लोगों ने फैला रखी कि सरकार ये ख्याल नहीं रखती, ये नहीं रखती। तो जनता के टच में जाने की ज़रूरत है, तो वो का सबसे बड़ा बात यही है कि वो सबसे मिल रहे हैं, सबके बीच में पहुँच रहे हैं और वहाँ काम भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, योजनाएँ दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली बदलाव आ रहा है। जनता सोचती है कि एक व्यक्ति के विषय में भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है, सरकार के भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी के विषय में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी पार्टी, ये तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट है जो हमारे लिए विकास कर रही है। समझिए आप 15 अगस्त कैसे मनाएंगे, क्या कार्यक्रम होता है 15 अगस्त को? देखिए 15 अगस्त को हम यहाँ हर बार ध्वज फहराते थे अपने पार्क के अंदर और आज हमने 15 अगस्त का प्रोग्राम अपना कोर्ट में मनाया, हमने अपने फ्लोर पर हमने बुलाया, वहाँ के गार्ड्स वगैरह थे वो किया प्रोग्राम, हमने मिठाई समोसे और कोल्ड ड्रिंक का उन लोगों को स्वतंत्र दिवस और इसके विषय पर लोगों को बताया, कई लोगों को हमने स्पीच कराई, बहुत सारे युवा लॉयर्स उसमें जुड़े, क्योंकि 14 तारीख को फिर 12 शीर्षक का प्रोग्राम कल भी होगा, तो हम ये करेंगे और ये 15 अगस्त का प्रोग्राम जो है इसको सुनेंगे, हम मोदी जी का स्पीच जरूर सुनेंगे, वहाँ जो प्रोग्राम लाल किले का होगा उसको देखेंगे, हम वहाँ तो जाएंगे नहीं, कई बार हम वहाँ जा चुके हैं देखें, लेकिन टीवी पर शांतिपूर्वक ये यहाँ पर देखेंगे और वैसे ये मौका मिला तो हम जा भी सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है लाल किले पर चाहे 15 अगस्त का हो, तो जो जिन लोगों की अच्छा बड़ी अच्छी सुरक्षा का इंतजाम है बड़ा है, लोगों को जाना चाहिए, लेकिन जो स्पीच है स्मरणीय जो हमारा 15 अगस्त का ही पहला जो प्रोग्राम होगा ये ऐसा होगा यादगार होगा, लोगों को मोदी जी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और लाल किले से जो ध्वज फहराएंगे और
प्रोग्राम को टीवी से या वहाँ जाकर कैसे यूज करोगे अवश्य। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 7118 हमारा फैक्स नंबर है 7118 ईमेल आपकी बात @your.coin। हमारी वेबसाइट है www.dillyapm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यह समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 188/श्याम नगर, श्यामगढ़, दिल्ली 32।